नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं लोक आवाज 24। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विशाल जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने भाषण दिया है। भाषण के दौरान वो भाजपा पर बरसते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां लोगों के मरने के बाद भी उनका इलाज होता है और उनके परिवारों से पैसे लिए जाते हैं, बाकी राज्य में ऐसा क्यों नहीं होता है। साथ ही साथ उन्होंने मध्य प्रदेश के आए हुए लोगों का स्वागत किया है, उन्होंने उनसे बातचीत की है और उनकी परेशानियों पर बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने इस भाषण के दौरान। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है, मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, 40 लोगों की हत्या हो जाती है। एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। तो जैसा कि आपने सुना, राहुल गांधी लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी परेशानियों के बारे में उन्होंने बातचीत की और साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर भी सवाल उठाया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोक आवाज 24 के साथ।